हर एक को प्राइवेसी का हक हासिल है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन से ह्यूमन राइट्स में ही आते हैं, लेकिन सिवाय टेक्नोलॉजी के आज प्राइवेसी के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये अब ग्लोबली वैरी जो करता है। टेक्नोलॉजी के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसकी तरक्की ने प्राइवेसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स को समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी है। सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी के मामले में प्राइवेसी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्हें दुनिया में जो कुछ भी होता है उस पर कांस्टेंट कंट्रोल की जरूरत जो होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज को देखेंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की प्राइवेसी को तबाह करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप अपनी आंखों, फिंगर्स, फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बायोमेट्रिक स्कैन्स फास्ट, इजी, सिक्योर है। अपने फोन को अनलॉक करने, अपने काम की जगह को चेक करने और खास इलाकों तक एक्सेस करने के अलावा लोग बायोमेट्रिक स्कैन से फायदा उठाने के तरीके तलाश करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर्स के फेस स्कैन करने और ये बताने के लिए बायोमेट्रिक स्कैन का इस्तेमाल करते हैं कि आया उन्होंने ऑर्डर क्या किया है। देखने में तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक्ट लगता है, लेकिन अगर कोई सिस्टम आपके पास मूवमेंट्स के बेस पर आपकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है तो वो आपके लॉन्ग टर्म डाटा को भी तो स्टोर कर सकता है। LI लॉ इन्फॉर्मेंस वाले इदारों को कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज़ करने वालों की बातें सुनने की पूरी पूरी इजाज़त देता है। इसका मतलब है कि एक प्राइवेट एजेंट मोबाइल नेटवर्क करियर में जा सकता है और किसी भी चैनल सपोर्टिंग डाटा तक पहुंच भी सकता है। इनकी मदद से एजेंट लोगों की कोई भी बातें उनकी बगैर इजाज़त के सुन भी सकता है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी क्राइम्स रोकने में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन अगर कोई गलत इरादे वाले लोग इस तक पहुँच जाए तो इसका फायदा भी तो उठाया जा सकता है। और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, प्राइवेट बातें ट्रैप करके काफी लोग अपनी जायदादें और पैसे गंवा भी चुके हैं। मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन है, लेकिन यूजर्स को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो इन पर रहते हुए प्राइवेसी को कितना खतरे में डाल रहे हैं। क्या आपने कभी इंटरनेट ब्राउज करते हुए देखा है कि ईमेल और अचानक से एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं? उसी कंटेंट से मिलता जुलता न्यूज़लेटर और सब्सक्राइबर्स आने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में आप शॉपिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फेवरेट टीवी ब्रांड को तलाश करते हैं तो आपको दूसरे टीवी के एड्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। देखने में ये बात इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अब भाई आखिर ऐसा होता ही क्यों है? और इसका सिंपल सा आंसर है कुकीज। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो आपको कुकीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने को कहता है। दरअसल पेज ऑनर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए आप ही की परमिशन मांग रहा होता है। और तो और, कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जो कि आपकी कुकीज़ को एक्सेप्ट किए बगैर ब्राउज ही नहीं कर सकते। अरे भाई, कौन सी प्राइवेसी का पता लगाना चाहते हो? जूम सबसे मशहूर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब ज़्यादातर लोगों को कोविड की वजह से घर से काम करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इस और इस जैसी दूसरी ऐप के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, और वो है आपकी प्राइवेसी। जब से ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स एक नॉर्मल चीज़ बन गई हैं, बहुत सारे एम्बैरेसिंग केसेस देखने में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली मेम्बर अपनी कंपनी के कोलीग के साथ बात करने में मसरूफ़ है, कैमरा भी ऑन है और फैमिली का कोई दूसरा फर्द आकर घूमना फिरना शुरू कर दे ये जानते हुए कि कैमरा ऑन है या नहीं, तो ऐसी सूरत में आखिर किसका कसूर है? एक को तो काम करना है और दूसरे को घर में अपनी नॉर्मल लाइफ भी तो गुजारनी है। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि ग्लोबली अवेलेबल है, वर्ल्ड सैटेलाइट से चलती है। इस पर डिपेंड करके लोग जहां चाहे ट्रैवल भी कर सकते हैं। बस आप ऐसा समझिए कि GPS एक मॉडर्न डायरेक्टरी है। तो जब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं तो सारा दिन ही क्यों ना गुजर जाए, इसके फायदे खत्म नहीं होंगे। लेकिन जब प्राइवेसी की बात करते हैं ना, तो ये हमारी प्राइवेसी को खिड़की से उठाकर बाहर ही फेंक देती है। यूजुअली अथॉरिटीज किसी भी लोगों को तलाश करने के लिए, उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं, और यही काम अलग तरीके से भी किया जा सकता है। जी हाँ, GPS ट्रैकर के साथ आपकी गाड़ियाँ दूसरे ऑटोमोबाइल्स भी ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल सी बात कहूँ तो GPS और प्राइवेसी एक साथ नहीं चल सकते।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP कस्टमर्स को एक कीमत पर इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। इसके बाद क्लाइंट इंटरनेट को सर्फिंग और दूसरे काम करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ISP की नज़र से बचकर नहीं। अक्सर औकात जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो ये मैसेज आता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहीं काम कर रहा है। इसका मतलब शायद ये है कि आपके ISP ने आपको एक्सेस करने से ही ब्लॉक कर दिया है। और तो और ISP आपका IP एड्रेस भी बता सकता है और वो सारी की सारी ब्राउज हिस्ट्री भी देख सकता है। तो सोचिए कि आखिर वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कहाँ तक हासिल कर सकता है। ऑडियो रिकॉर्डर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिस्ट्री में प्राइवेसी का सबसे बड़ा हमला आवर है। अब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ये समझते हुए कि उनकी बात प्राइवेट ही रहेगी, जबकि ऐसा तो नहीं है। कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप को वॉइस नोट रिकॉर्ड करने और भेजने की भी परमिशन देती है, लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग किसी गलत हाथ में चली जाए तो एम्बैरेसमेंट मोमेंट्स, लीक वीडियोस और फेक न्यूज फैलने का खतरा रहता ही है। और अब आते हैं प्राइवेसी के सबसे बड़े क्रिमिनल की तरफ, सोशल मीडिया। दुनिया भर में 4.2 बिलियन से ज़्यादा लोग डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं और इन सब की एक ही तो डिमांड होती है कि कम से कम अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर तो दे दीजिए। लेकिन इसकी कोई हद नहीं है कि वो आपके कितनी प्राइवेसी पर हमला कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक यूजर्स को अपनी पिक्चर्स अपलोड करने, वीडियोस पोस्ट करने और दूसरे लोगों की पोस्ट पर कमेंट करने की इजाज़त मिलती ही है। हालांकि लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन ज़्यादातर यूजर्स को ये पता ही नहीं चलता कि वो अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दे दूसरे के लिए ट्रैक कराना कितना आसान करवा देते हैं। आप जितना ज़्यादा पोस्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी प्राइवेसी पब्लिक होती जाती है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर अगर कोई एक चीज़ सामने आ जाए तो उसे कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। चाहे आपको ये लगे कि आपने डिलीट कर दिया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होता है जिससे आपका मटेरियल दोबारा से रिस्टोर हो सकता है। तो अब ये सिर्फ आपके और हमारे ही हाथ में कि हम अपना कितना प्राइवेट मटेरियल इंटरनेट पर पब्लिक करते हैं।